हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मिस स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जेई मेन पैटर्न के कुछ क्वेश्चन बताए थे और मैंने बताया था ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ है नहीं अगर आपकी जोग्राफी बहुत अच्छी है तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पता होगा और अगर आप क्लास अलेवन ट्व के बच्चे हो तो अगर क्लास एलेवंथ और टेंथ में आपने जो साइंस सोशल स्टडीज़ तो पढ़ी होगी और आपका कमांड उस पर बहुत बेहतरीन हुआ होगा इवन सिक्स सेवन एइट और जनरल जी के जी के क्वेश्चन में भी इन्वायरमेंटल कमिटी आते हैं बिकॉज एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन सॉल पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन ये सब नॉर्मल और रैंडम चीजें हैं वाटर साइकिल कार्बन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल तो ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके इसलिए मैंने चैप्टर चैप्टर को को बहुत 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 ज़्यादा नहीं किया, किया, चीजें बता के इस को मैंने बाइंड अप किया। बहुं सारे बहुं कम लेक्चरों में। क्यों क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना कोई अच्छी बात नहीं है अगर ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी है, को करनी है आपको तो आप यूटिलाइज करो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आयी एडवांस को टच करते हुए दैन एलेव ट्वेल्व में केमिकल कैंटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर आप देख लेते हो तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके जे एडवांस एग्जामिनेशन में आते हैं खैर कोई बात नहीं तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर राउंड को क्या है क्वेश्चन आंसर में क्या मैंने क्वेश्चन लिए हैं बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं हमेशा ही मैं कहता हूँ बहुत मीडियम लेवल के क्वेश्चन में लेता हूँ ताकि आप उसको अप्रोच कर सको क्योंकि जब तक पहली सीरी नहीं चढ़ोगे तब तक लास्ट सीरी नहीं चढ़ सकते पहली सीरी धीरे धीरे चढ़ती है और कहते हैं जब भी अगर दो तीन हजार मीटर का रेस जीतना हो तो वही जीतता है जिसने धीरे स्टार्ट किया है तेज स्टार्ट करने वाला कभी नहीं जीतता क्योंकि स्टेमिना बना के रखनी पड़ती है दैट्स अ थिंग और लेकिन हंड्रेड मीटर का अगर रेस जीतना है तो शुरू से स्टेमिना बनासेन वर्ल्ड कप ने देखा होगा ठीक है नेक्स्ट सो स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर राउंड देखो क्वेश्चन नंबर वन में क्या है वेट फॉर अ मोमेंट क्वेश्चन नंबर वन कहता है द बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्मॉग अच्छा स्मॉग को पहले तो मैं आपको बता दूं जो बेसिक कंपोनेंट है स्मॉग पहली बात तो दो तरह के होते हैं एक होता है केमिकल स्मॉग सॉरी पार्डन नॉट केमिकल दैट इज क्लासिकल स्मॉग ओके फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज क्लासिकल स्मॉग एंड द सेकेंड वन इज फोटो केमिकल दूसरा क्या बोला मैंने फोटोकेमिकल स्मॉग है क्लासिकल स्मॉग आपको पता है लंदन में पहली बार देखा गया था इसमें क्या होता था स्मॉग प्लस फॉग प्लस SO2 ये तीनों से मिलकर बनता है है ना यही तो रहता है इसमें स्मोक प्लस फॉग प्लस एसो टू और फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है सनलाइट का इम्पैक्ट होता है किस पे चूरेटेड अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और लास्ट में फाइनली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी होता है ठीक है ये जो है मिलकर आपको फोटोकेमिकल इसमें फो, स्मोक प्लस फॉग नहीं होता तो इसमें बेसिकली पूछा फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में फोटोकेमिकल स्मॉग में जो बेसिक कंपोनेट रिएक्शन के बाद बनता है वो होता है पी ए एन ऑक्जी एसिटाइल नाइट्रेट दैट इज आर सी ओ थ्री एन ओ टू सो इफ एनी वन आस्क यू या अगर आपसे कोई पूछे कि वट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्मोक दैट इज पेन पर ऑक्जी एसिटाइल नाइट्रेट क्वेश्चन नंबर वन ए इज द करेक्ट ऑप्शन अगेन आईम रिपीटिंग दैट इज क्वेश्चन नंबर वन ए इज द करेक्ट ऑप्शन पर ऑक्जी एसीटाइल नाइट्रेट नेक्स्ट जो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है वो क्वेश्चन क्या है उस चीज़ को समझ लेना क्वेश्चन नंबर टू दैट इज ओजोन डिप्लेशन इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंपाउंड जो ओजोन का डिप्लेशन है इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड दैट इज़ पर ऑक्जी एसिटाइल नाइट्रेट ओजोन का डिप्लेशन जो होता है पर ऑक्जी एसिटाइल नाइट्रेट के चलते आपका हो जाता है तो जो क्वेश्चन नंबर टू है दैट इज बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन कोई प्रॉब्लम नहीं सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो चलो बच्चों रब कर देता हूँ रब करके हम लोग बढ़ चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ फोटो केमिकल स्मोक अभी मैंने बताया फोटोकेमिकलो स्मोक में हाइड्रोकार्बन होते हैं एनो NO होते हैं ओजोन का भी पार्टिसिपेंट होता है लेकिन एसो टू जो होता है वो का इसका इन्वॉल्वमेंट होता है क्लासिकल स्मोक के फॉर्मेशन में क्या बोला क्लासिकल स्मॉग जिसमें स्मॉग प्लस फॉग प्लस एसओ टू होता है जो एसओ टू किस में चेंज होता है बच्चों एसओ थ्री में चेंज होता है और फर्दर क्या बनता है जो कंडेंस फॉर्म में एस टू एसओ फोर बनता है दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड एम आई राइट यस सर यू आर एब्सोल्युटली राइट सो इट इज गिवन वेरी इजी विच ऑफ़ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग दिस इज एस टू टू so जो होता है फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता बहुत अच्छी बात है चलो इसको रब कर देता हूँ और बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ क्या है क्वेश्चन नंबर फोर ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर फोर कहता है सुपरसोनिक जेट जो सुपरसोनिक जेट है कॉज पॉल्यूशन बाइ थिनिंग कौन सा अच्छा सिंपल सी बात है सुपरसोनिक जेट जो होता है वो पॉल्यूशन इसलिए कॉज करता है क्योंकि वो ओथ्री के जो लेयर होते हैं ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है आपके ओजोन लेयर पर क्या बोला मैंने इट डायरेक्टली इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ओजोन लेयर इस चीज़ को याद रखना जिससे क्या होता है ओजोन लेयर में जो थिकनेस होता है वो कम हो जाता है वो थिन हो जाता है और जो यू वी रेडिएशन होता है उसमें तुरंत इस पे इम्पैक्ट कर जाता है यूवी रेडिएशन का इम्पैक्ट हो जाता है सो इट्स वेरी सिंपल सुपरसोनिक जेट कॉज पॉल्यूशन बाय थिनिंग ऑफ थ्री लेयर ओजोन लेयर को क्या कर देता है वो थिन कर देता है तो क्वेश्चन नंबर फोर के लिए हम कह सकते हैं कि सर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है चलो द नेक्स्ट वन वट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है क्वेश्चन नंबर फाइव में क्रैकिंग ऑफ रबर रबर का जो क्रैकिंग है कॉज ड्यू टू स्मॉग फॉर्मेशन के चलते रबर की क्रैकिंग होती है याद रखना इस चीज को इस क्रैकिंग ऑफ रबर इज कॉज ड्यू टू स्मोक फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव का जो हम सोचेंगे बच्चों सी इज द करेक्ट ऑप्शन इज इट क्लियर टू यू ये नाम गोइंग टू डॉफ दिस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन yes, है वो देख लो क्वेश्चन नंबर सिक्स है क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है द गैस इज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मोक वो गैस जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर फोटोकेमिकल स्मोक के लिए जल्दी से बता दो तो कौन कौन सा होगा यस yes, सर इसमें आपने ही बताया था ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यानी इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होंगे याद रखना इट मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन ठीक है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट इसमें वो था दैस इज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मोक आर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बिल्कुल होगा हाइड्रोकार्बन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा डी इनर्ट गैसेस नहीं होंगे यानी इसका जो आंसर होगा बच्चों दैट इज क्वेश्चन नंबर ए बी एंड सी इज इट क्लियर टू यू यस सर कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं सर कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर सिक्स अगेन आई एम रिपीटिंग दैट इज ए बी और सी और कंपिटेट एग्जामिनेशन में तो मैंशन हो जाएगा मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है या सिंगल ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है द फॉलोइंग प्रोसेस अकर्डिंग द ट्रोपोस्पेयर ट्रोपोस्पेयर पे कौन कौन सा प्रोसेस होता है ट्रोपोस्पेयर स्टेटो स्पेयर मेजो आइनो है ना थर्मो होता है ठीक है फोटोसिंथेसिस कंबशन ग्रीन हाउस इफेक्ट एसिड ये चारों प्रोसेस जो होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर पे होते हैं तो क्या गिवन है द फॉलोइंग प्रोसेस अकर इन ट्रोपोस्फेयर इज इट फोटोसिंथेसिस कंबशन ग्रीन हाउस एंड एसिड रेन तो क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए हम कह सकते हैं ए बी सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन इज इट क्लियर टू यू यस सर ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यानी मोर देन वन ऑप्शन मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन का ही यहाँ पे गिवन है तो चलो अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट अब कहता है इसमें मैच द फॉलोइंग है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बताओ क्या हो जाएगा कहता है पर नाइट्रेट ये तो सबको पताटाइल नाइट्रेट पेन ये क्या होता है फोटोकेमिकल स्मोक आर बनता थ्री टू बिल्कुल उसके बाद है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कार नोजेंस यानी इसके लिए हो जाएगा कार्सिनोजेंस ओके नोजेंस उसके बाद डायऑक्सिन्स डायऑक्सिन्स किसके लिए होता है वेस्ट इन इन इनसे इन इनसेनीरेशन ए इज द करेक्ट ऑप्शन एंडिगो एंडिगो जो होगा वो क्या होगा वॉट डाई यस उसके बाद आई आर एक्टिव एक्टिव मॉलिक्यूल दैट इज फॉर ग्लोबल वार्मिंग आ गया समझ में यानी ए का क्या हो जाएगा थ्री बी का क्या हो जाएगा बच्चों फोर सी का क्या हो जाएगा वन डी का क्या हो जाएगा बच्चों फाइव एंड ई e का क्या हो जाएगा बच्चों ई e का हो जाएगा आपका टू तो इसमें कौन सा करेक्ट मैचिंग आपको दिख रहा है ए इज द करेक्ट ऑप्शन क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं सर क्वेश्चन नंबर एट वी विल से दैट इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन चलो बच्चों बहुत अच्छी बात है रब कर देता हूं मैं इसको और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर आपका नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन आपका गिवन है द फॉलोइंग रिएक्शन अकर इन द स्टेटोस्फेयर दैट इज ओ टू प्लस यू वी दैट इज ओ प्लस ओ ओ टू प्लस ओ इज इक्वल टू ओ थ्री यानी ये रिएक्शन तो होता ही है ये भी होता है सी एल प्लस ओ थ्री सी एल ओ प्लस ओ टू यानी क्वेश्चन नंबर नाइन का ए बी और सी ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है अगेन आई एम रिपीटिंग द फॉलोइंग रिएक्शन अकड़ इन द स्टेटो स्पेट ओ टू प्लस यू बी ओ प्लस ओ ओ टू प्लस ओ गि ओ थ्री एंड सी एल प्लस ओ थ्री सी एल ओ प्लस ओ टू तो ये इसमें ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसका तीन ऑप्शन करेक्ट होंगे ए बी एंड सी क्लियर यस सर ज्यादा टफ तो नहीं है नहीं सर तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आ जाओ क्वेश्चन नंबर टेन पे क्वेश्चन नंबर टेन एक बार पढ़ लेते हैं क्या नाइट्रिक ऑक्साइड इज द न्यूक्लियस ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग। 2NO एन ओ प्लस सनलाइट एनओ प्लस ओ बोथ and O3 are a strong oxidizing agent, agents and react with unburnt hydrocarbon in the polluted air to produce formaldehyde, acrolein and peroxyacetyl nitrate. Okay? These products are harmful to the plant and animal, to the plant and animal life. Catalytic converters are now installed in the automobile uh, to reduce the photochemical smog. फोटोकेमिकल स्मोक कैन ऑल्सो बी सप्रेस्ड बाय सर्टेन कंपाउंड विच एक्ट एज फ्री रेडिकल ट्रैप वो कैसा करता है यानी फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है सप्रेस करता है बाय सर्टेन कंपाउंड विच एक्ट एज अ फ्री रेडिकल ट्रैप ट्रैक रेडिकल uh, को क्या करते हैं ट्रैप करते हैं बहुत अच्छी बात है क्वेश्चन देखो विच आर द प्राइमरी कंस्टिटुएंस ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक प्राइमरी कंस्टिट्यूंट्स में फोटोकेमिकल स्मोग में क्या आता है आपको पता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी वन का तो हम लिख सकते हैं बी एनओ टू एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेकेंड नंबर फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एमिजन एमिजन इन यू बी वेबलेन्थ ऑफ सनलाइट रिजल्ट इन टू जो फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऑफ द ऑटोमोबाइल एमिजन रिजल्ट इन यू भी वेबलैंथ ऑफ द सनलाइट रिजल्ट इन टू ओ थ्री एंड पेन ओ थ्री का फॉर्मेशन होता है एंड पेन का फॉर्मेशन होता है क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं नेक्स्ट स्मॉग इज कॉमन पॉल्यूटेंट इन प्लेसेज अगर ये फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में बोला है फोटोकेमिकल स्मॉग हाई टेम्परेचर पे होता है और क्लासिकल स्मॉग लो टेम्परेचर पे होता है तो क्वेश्चन में यहाँ फोटोकेमिकल मेंशन नहीं किया इसलिए कंफ्यूज मत होना लिख देना हाई टेम्परेचर क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो फोटोकेमिकल स्मोक पे ही चल रहा है इसीलिए नेक्स्ट फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मड इन कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज मेनली कंसिस्ट ऑफ आप, आपको पता है कि फोटोकेमिकल जो आपका बनता है वो आपका इसीलिए बनता है क्योंकि उसमें होता है सी ऑप्शन ओजोन परॉक्जी एसिटाइल नाइट्रेट एंड एन ओ एक्स नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी फोर का हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं ठीक है अब मैं ए, दस क्वेश्चन मैंने ले लिया आपको करवा दिया अब मैं एक क्वेश्चन और लेना चाहता हूं जो अपने साइड से मैं आपको इंक्लूड करता हूं ठीक है आई होप सो so, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं एक बार पढ़ रहा हूं ध्यान से समझना ओजोन लेयर ओजोन लेयर एक्ट एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम है द मेजर कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन इज बिलीव टू बी द बिलीव

नाउ आ हाईली रिएक्टिव क्लोरिन एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन जो हाईली रिएक्टिव फॉर डिस डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन दैट विल बी सी एल ओ स्टार प्लस ओ टू बहुत अच्छी बात है देन सी एल ओ स्टार प्लस ओ जो गैसियस फॉर्मेट में है इट गिवस यू दैट इज सी एल स्टार प्लस ओ टू ये आपका रिएक्शन हो गया बहुत अच्छी बात है फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन क्लोरिन ओजोन मॉलिक्यूल इन अ चेन रिएक्शन द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर लीडिंग टू ओजोन होल हैज हाउ एवर बीन मेनली ऑब्जर्व इन द स्टेटोस्फेयर ओवर एंटार्टिका ओके स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड कॉल पोलर स्टैटो स्टैटो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड ओवर एंटार्टिका फिर से मैं बोलूं स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड कॉल्ड पोलर स्टेटोस्फेरिक क्लाउड आर फॉर्म्ड ओवर एंटार्टिका दिस क्लाउड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओजोन डिप्लेशन यही जो होते हैं प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओजोन डिप्लेशन अब क्वेश्चन आपका आता है द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन पहला ट्रोपोस्फेयर स्टेटो स्फेयर मेजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर बताओ ओजोन लेयर कहां प्रेजेंट होता है सर सिंपल ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन लेफेयर बी इज द करेक्ट ऑप्शन दूसरा द रिजल्ट ऑफ ओजोन होल इज एसिड रेन ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग द यूवी रेडिएशन रिच टू अर्थ ओजोन होल में होगा तो क्या होगा यूवी रेडिएशन अर्थ पेने डी इज द करेक्ट ऑप्शन यूवी रेडिएशन रिच टू अर्थ नाउ थर्ड नंबर फेरियोन फेरियोन इज नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज इन रेफ्रिजरेटर जो F होता है क्लोरोफ्लोकार्बन में होता है एफ एलेवन एफ टर्टीन एफ वन वन टू ये जो होते हैं इज नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज इन रेफ्रिजरेटर बिकॉज दे इंक्रीज टेम्परेचर डिप्लेशन डिप्लेट ओजोन एफेक्ट इन्वायरमेंट एंड एफेक्ट ह्यूमन बॉडी दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन डिप्लेट ओजोन बी इज द करेक्ट ऑप्शन तीसरा ओजोन इन स्टेटोस्फेयर इज डिप्लेटेड बाय C6F6, C7H6F16, CF2Cl2 सिक्स सी एंड सी क्या हो जाएगा C इज द करेक्ट ऑप्शन CF2Cl2 ओजोन इन स्टेटो इज डिप्लेटेड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2 अब पिलिंग ऑफ ओजोन अम्बलेरा अमरेला व्हिच प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज इज कॉस्ड बाय पेन पहला ऑप्शन बी सीओ टू तीसरा ऑप्शन सी एफ सी और चौथा ऑप्शन कोल बर्निंग आपको पता है कि ओजोन अमरेला का डिप्लेशन क्यों होता है बाय यूजिंग सी एफ सी क्लोरो तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए तो भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको कंप्रीशन में भी आए तो भी दिक्कत नहीं है सिंगल ऑप्शन में भी आप कर सकते हो सो सिंपल चैप्टर इजी नहीं है बार बार मैं कह रहा हूं तो अपने आप से आप प्रैक्टिस कर लो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है क्वेश्चन नंबर वन द बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्मॉग आपको बताया क्या हो जाएगा ठीक है दूसरा ओजोन डिप्लेशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आपको पता है पर नाइट्रेट दैट इज पेन बी इज द करेक्ट ऑप्शन स्मोक ओ थ्री ओ थ्री डॉट सॉरी पार्डन एस ओ टू बी इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ क्वेश्चन नंबर फोर जेट कॉजेज पॉल्यूशन बाय थिनिंग द ओजोन लेयर डी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फाइव क्रैकिंग ऑफ रबर इज कॉज ड्यू टू द स्मोक

फोटोकेमिकल स्मोग यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन ए का थ्री हो जाएगा बी का फोर सी का वन डी का फाइव यानी e का टू क्वेश्चन नंबर नाइन कौन कौन से रिएक्शन होते हैं ए बी एन सी रिएक्शन जो स्टेटोस्फेयर में होते हैं आपको विच ऑफ आर द प्राइमरीबन फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑटोमोबाइल इन टू बी ओ थ्री एंड पेन थर्ड ऑप्शन स्मॉग इज कॉमन पॉल्यूटन इन प्लेस हैविंग हाई टेम्परेचर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मड इन कंजेस्टेड मेट्रोपोलिटन सिटीज मेनली कंसिस्ट ऑफ क्या हो जाएगा ओजोनसीट एन एनओ एक्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन आई होप so, सो बच्चों कि आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप इसको कर लोगे तो चलो बच्चों, अब आपसे समय आ चुका है विदा लेने का टाइम एज कम टाइम टू से बाय थैंक यू सो मच